हाँ दोस्तों सनत, दोस्तों एक बढ़िया एकदम मजेदार वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग बोले ना क्लाइंट जेन्युइन नहीं है, दिक्कत आती है लीड में, क्या क्या क्वालिटी देखी उसकी, कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ। आपका जो प्रॉस्पेक्ट है नहीं तो सस्पेक्ट रहता है, मतलब क्लाइंट है तो क्या रहे। पहली चीज है फर्स्ट कि अपने लेवल या अपने से बड़े लेवल या जितने बड़े लेवल का होगा उतना अच्छा होगा क्लाइंट बड़ी प्रॉपर्टी में जाने का। पैसे वाले लोग अच्छे से पैसा देते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, मज़ा आता है काम करने में, टिप्स भी देते हैं, मैश करोगे। बहुत बड़ा मतलब तजुर्बे से बोल रहा हूँ, मैं जब धंधे में आया तो मैंने काम करना चालू किया तो ऐसे सिट्टी पिट्टी ऐसे चिल्ली मिल्ली प्रॉपर्टी के साथ काम किया, मैं फेल पे फेल पे फेल तो फेल तो फेल तो फेल, ऐसे 17 बार मेरे को रिजेक्शन आए। फिर मैं फ्रस्ट्रेट होके मैं छोड़ने की सोच रहा था, तब मैंने अपने गुरु से पूछा कि क्या है, बोला तू बना ही नहीं है कचरा चीज़ों के लिए, तू तेरे लेवल या उससे बड़ी प्रॉपर्टी में काम कर, जो घर में रहता है वो घर या उससे भारी वाले घर बेच, उसके नीचे मत दिमाग लगा। जिस दिन मैंने वो चालू किया मेरी किस्मत पलट गई और मैं माला माल हो गया। समझ गए, मौज कर दी भाई। अभी मेरा ऐप आ गया है, वहाँ पे इतने भारी भारी चीज़ें बताने वाला होना कि अगर वो आपने, वो यूनिवर्सिटी है पूरी सक्सेस की, सनत यूनिवर्सिटी, सक्सेस यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाके जो चीज़ में दिक्कत आ रही है वो कोर्स बाय करो, मनी बैक गारंटी के साथ है 100% और ऐश कूटोगे। iOS पे भी है, एंड्रॉयड पे भी है, वेबसाइट भी है। आप बोलोगे कि क्या आप भी वही करने लगे, अरे भाई मेरे आप धंधा करने आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी लगती है, मेरे पास 4 लोग हैं उसके लिए, अलग से काम कर रहे हैं, अभी तक था टाइम पास था, अब ये सीरियस चीज़ हो गई है, 10 लोगों का भला हो रहा है, 1,000 वहाँ डालोगे तो 1,00,000 आएंगे, ये लिख के ले लो। अभी आपको सोचना है 1,000 बचाना है या 1,00,000 का लॉस करना है, आपकी मर्जी। तो पहला पॉइंट, एक चीज़ हमेशा सोचना है जब भी किसी से बातचीत करते हो या कुछ है कि घर ये सबकी ज़रूरत है, ये मूलभूत आवश्यकताओं में आता है, रोटी कपड़ा मकान। पहले आदमी रोटी के बारे में सोचेगा, पेट भर गया तो कपड़े पहनेगा और कपड़ा पहन लिया तो घर के बारे में सोचेगा। तो हर एक को इसकी ज़रूरत है, हर एक आदमी मेरे लिए लीड है, हर एक से मेरे को बात करनी चाहिए, है या नहीं आप खुद चेक करो। सबको घर चाहिए ना, इनफैक्ट जो आदमी बड़ा होता है पहला ड्रीम होता है मेरा खुद का घर होना चाहिए। अरे तो हर कोई आपके लिए लीड है मेरे भाई, उनसे जाओ बात करो। 2 टिप दे दी तो क्या अपने अंदर से डर कि मैं फायदा लेने जा रहा हूं वो मेरे से ले लेगा, मेरे को ब्रोकर जाएगा, वो गलत सोच। मैं भाई को घर दिलाऊंगा, अच्छा चीज, कम रेट में, मस्त पेपर चकाचक, सब लोग परेशान हैं, डरते हैं, इतना बड़ा जिंदगी का डिसीजन है, मैं इन लोगों की मदद करूंगा, ये बेसहारा लोग हैं, इनको घर दिलाना मेरे लिए फर्ज है, भगवान ने मेरे को रियल एस्टेट में भेजा है, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, नोबल वर्क में कर रहा हूँ। तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट होगी, नीयत आपकी साफ रहेगी, उनका भला करने की सोचोगे, ठीक है। तो फोकस उनके ऊपर, और सबको जरूरत है, तो किसी से डरो मत। अपन डरते हैं, मेरा छोटा सा काम है, मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, वो नहीं भाई, प्राउड से कभी लगे तो बता देना, कोई सेवा चाहिए तो घर दिलाने में अपन 1 नंबर काम करेंगे। तीसरा पॉइंट, स्पीक टू पीपल एवरीवेयर यू गो, टॉक टू एवरीवन। आई एम टेलिंग यू, आप मतलब खाली ऑनलाइन जो 99 मैजिक ब्रिक हाउसिंग एंड सुलेखा एंड फेसबुक और डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब सब फेल है। रियल का रियल स्टेट करने वाला आदमी अपने वर्ड ऑफ माउथ पे चीज़ें बेचता है, खरीदता है, लेता है, सब करता है। जिस दिन आपका वहाँ से धंधा आ गया उस दिन आप माला माल हो जाओगे, नहीं तो कड़के रहोगे। ये लोग आज अपने नाम से पैसे बड़े बड़े छाप रहे हैं, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो पोर्टल है, इन लोग देख हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। सारा मेहनत हम करेंगे, गधा काम हम करेंगे और पैसे इनको देते हैं, गैम्बलिंग है, उनकी कोई गारंटी नहीं है। कोई ऐसा लीड बेच रहा है क्या? हम लीड दे रहे हैं, 1,00,000 डालो 10,00,000 आना ही आना है, ऐसा जेन्युइन देंगे, कोई नहीं। आपके अंदर दम है तो किसी को पटा पिटा के कन्वर्ट कर लेते हो, सोचो कितना टेंशन है।
मैं उसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ भाई, टॉक टू एवरीवन वेयरएवर यू गो, जस्ट टेल लाइक हेलो हाय माय नेम इज सनत एंड यू नो दिस इज माय बिजनेस बाय द वे, आप क्या करते हो, एंड देन तालमेल बजाओ, कुछ लगे तो बोलना। ऐसा 5-10 लोगों से डेली बोलो, महीने में 50-100 लोगों को मिलोगे, एक घर तो अपने दम पे बेच रहे हो, उनको कड़क एकदम मस्त चकाचक सर्विस, मतलब जी जान से सर्विस दो एकदम मस्त, बंदा ऐसा खुश हो जाए मलाई मार के, जिंदगी भर आपको रेफरेंस का धंधा देता रहे, बोले यार मेरे दोस्त को भी चाहिए। बस एक क्लाइंट को खुश किया, 2 रेफरेंस आने ही चाहिए उससे बॉस। चौथा टिप जो मैं दूंगा वो है बी पीपल कॉन्शियस। जहां भी रहो थोड़ा सा मिलनसार बनना है, मोची की नज़र हमेशा जूते पे ही रहती है, बाकी से उसको मतलब नहीं, वो यही देखते रहता आने जाने, किसका फटा है, पॉलिश की जरूरत है ना। हमारा भी बातचीत करूं कहीं ना कहीं टॉपिक आ जानी चाहिए घर के बारे में। अभी मैं मतलब बाल कटा के आया, मेरे को मस्त वो आदमी ऐसा मतलब ऐसे गया तो बैठ गया मैं बाल कटाने, तो बोला आपका थोड़ा फेस ऐसा है तो इसमें ये कर लो, मैंने बोला कर दे यार, देखो उसने कैसे धंधा निकाला। फिर वो करते रहा और उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं ना ये इसके पास जाता था, ये पॉलिटिशियन, ये बिग शॉट, ये बिग शॉट। पहले मेरे बारे में जाना उसने, आप कहाँ रहते हो, क्या है, सोचा कि उसी लेवल के उसने 4-5 नाम बताए, मैं कनेक्ट हुआ सीरियसली हाँ। और फिर बोला वो तो जब भी मैं जाता हूँ ना, या वो आते हैं मेरे, वो घर पर भी होम सर्विस भी देता था, जॉब करता है, ये ब्रांड था एक, मैं अभी नाम नहीं दूंगा, किसी का प्रमोशन नहीं करना है, बट उसने सोचा कि बाद में भी घर पे भी मेरे को बुला लेते हैं तो मैं ये करता हूँ। तो बोल रहा उसने मेरे को 500 रुपये टिप दिए, वो तो मेरा रेगुलर ये है, और उनके तो बाल नहीं थे तो उन्होंने मेरे से एक तेल लिया। वो साला मैं इतना कन्विंस हो गया उससे, एक सिंपल आदमी जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी 12,000 खाली बोला सैलरी है प्लस इंसेंटिव पे वो काम करता था, बट उसने मेरे से क्या स्क्रब कराया चेहरे पे वो करके मस्त बैठा रहा, एंड मैं फिर उसका तेल भी लेने को कन्विंस हो गया। मैंने कहा यार थोड़े कम हो गए, और अपने दिखाया, देखो मेरे बाल मेरे पहले थे ही नहीं, अब भी आ गए मेरे को, जब मेरे को ऐसा, ये बड़ा आयुर्वेदिक है, पर मैंने बोला यार सनत ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये कुछ बना के हाथ से क्या लाएगा, ब्रांडेड मैंने बोला कुछ बता, भले वो 10,000 का है अपन वो लगा लेंगे, बट नो आप लोग कोई कमेंट करो कोई जानता है ऐसा तेल, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बड़े बाल करना चाहिए। ठीक है फौज में था यही लुक अच्छा लगता है, ठीक है बदलती रहती। बोलने का क्या मतलब है, बी पीपल कॉन्शियस, जहाँ जाओ अपना ऐसा बातचीत करना चाहिए, लोगों से मिलो, शादी ब्याह अटेंड करो, कोई रोटरी क्लब है कहीं है ऐसे नो स्पोर्ट्स के लिए जाओ, जहाँ पे अमीर लोग हैं उनकी मेंबरशिप लो, जान पहचान बनाओ, इतना धंधा जहाँ ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े मालदार पार्टी आती है ना, और ये लोगों के पास पैसा इतना है कि किधर रखेंगे उनको नहीं समझता, कितने कितने नाम पे कहाँ कहाँ के नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं भाई, एक से रेफरेंस मिल गया उनका दिल जीत लिया वो 10 देंगे, क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता, तो वो आपके धंधे को बहुत सपोर्ट करेगा। मैं आपको ऐसे जो प्रो लोग हैं जो एकदम टॉप लेवल के रियल एस्टेट हैं वो बता रहा हूँ, ये कच्ची बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ गए, छोटी मोटी बातें नहीं कर रहा हूँ, कैंपेन रन करके वो तो कोई भी उठ के आएगा देगा 50,000 लीड आ जाएगी उसमें क्या है, पर ये वाली चीज़ें बहुत गहरी चीज़ें हैं। और आप लोग ना ये मेरे ऐप पे जाओगे, अभी ऐप आ गया है, मेरी वेबसाइट भी आ रही है, वहाँ पे डिटेल्ड में है सब चीज़, ये जो मैं बताता हूँ ये 20% है, 80% है वो वहाँ पर आपको मिलेगा, और आप वो करो उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि अडॉप्ट एटीट्यूड लाइक यू आर मेकिंग जस्ट फ्रेंड्स, बिजनेस पहले ध्यान में ही मत लाओ, जस्ट फ्रेंडशिप बना रहे हैं हम लोग, किससे भी तब अच्छा लगता है, सीधा बिजनेस के बारे में नहीं। मेरा एक दोस्त है, मतलब उसका एक बिजनेस है, पर मैक्सिमम बिजनेस वो दोस्ती पे चलाता है, कैटरिंग का बिजनेस है, वो भी बता देता हूँ। मैं खाली थोड़ा इच्छे इसलिए रहा था कि वो सुनेगा ये वीडियो ना, कभी बाई चांस देखते रहता है, बोले यार मेरे बारे में बोल रहा था सनत, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट आएगा मस्त दोस्त मिलेगा यू नो जो भी है, गुड मॉर्निंग ये वो बात करेगा, और फिर क्या है उसको खाली यू नो बर्थडे एनिवर्सरी फंक्शन हर एक के लाइफ में 2-3 महीने बाद एक ना एक आते रहते हैं, कोई प्रमोशन नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं, और बिग शॉट है, मतलब बिग शॉट है, उसके 3-4 घर है, बाकी कमाई है, खाली रेफरेंस का बिजनेस है, जाता है फ्रेंडशिप बनाता है,
थोड़े दिन बाद जब फ्रेंडशिप हो जाएगी तो अपन बोलेंगे यार मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मेरा ये बर्थडे है, फिर वो करना है तो कैटरिंग का ही तो काम लगना ही है, भले वो 50 आदमी का हो, 500 का हो, शादी ब्याह हो, ऐसे वो लगीच तैयार रहता है और अच्छा काम भी डेफिनेटली अच्छा करता है, फिर अपन उसको रेफरेंस देते हैं, क्योंकि अपना अभी मेरे को कोई चीज़ लेनी तो मैं दोस्त के पास जाऊँगा ना, अभी डॉक्टर इतने हैं पर मेरा दोस्त है ये डॉक्टर, तो पहले मैं तो अपने दोस्त के पास जाऊँगा, तो पहले दोस्ती क्रिएट करो और क्लियर कट, मतलब ऐसा लगे नहीं कि इसके मन में मुंह में राम बगल में छुरी और ये कुछ ब्रोकर का कुछ है, मेरे से कोई भी मिलेगा मैं एकदम से टूट पड़ता ही नहीं हूँ, कम से कम 2-3 मीटिंग के बाद मैं रियल एस्टेट में वो इंटरेस्ट दिखाए तो, नहीं तो मैं फ्रेंडशिप अच्छी बनाता हूँ, पूछता ही है और पूछता है तो भाई था ना तू है तो मैं काय को इधर उधर करूँ, ये देख मेरा घर है इसको रेंट पे दे दाल, वहाँ एक प्रॉपर्टी, मेरे दोस्त को एक वो चाहिए, कोई ना कोई ऐसा निकल आता है। दोस्ती बनाओ, फ्रेंडशिप बनाओ, लीड के लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म करता हूँ, ये मैंने 4 बताई, ऐसी 40 टिप मैं देने वाला हूँ, वो मेरे कोर्स पे होगी, लीड के बारे में होगी, सारी ऑफलाइन, ऐसे बोल के तो फिर बोल दूँ पैकेज ले लो तो उसमें क्या ही है, फिर काय का कोर्स, काय की ट्रेनिंग, समझ गए। और बहुत सारे लोग हैं अभी जो कोच बोलते हैं अपने आप को, सो मैं आपको बताऊं सब बहुत लोग हैं अभी अपना ही कंटेंट उड़ा उड़ा के नए नए नाम से ना पुरानी चीज नए पैकेट में बेच रहे हैं, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप उन एकदम खंगरी आदमी है रियल एस्टेट ही करते हैं, उनसे पूछो उसने लास्ट प्रॉपर्टी कब बेची थी, मेरा कभी भी रहेगा कल ही मेरा एक डील हुआ, कल ही टोकन हुआ, ये हुआ, तो आज भी आप उन यही कर रहे हैं और सिखा रहे हैं, ये बहुत डिफरेंट बनाता है बोलने को, क्या पैसे लेके एक से एक आ रहे हैं, आप जाके देखो 90% है रियल एस्टेट कोच है जिसको कभी कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, गूगल कर करके सीख गए हैं ये पता है, पर रियल में जाके प्रॉपर्टी चाबी खोल के दिखा के लाइनअप करके टोकन लेके एमओयू बना के एग्रीमेंट टू सेल सेल डीड करके डिसबर्समेंट कैसे करना ऐसा बहुत कम है, तो वो यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बोलने की जरूरत ही नहीं, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।